निरसा में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 29 के प्रत्याशी रामनाथ सोरेन ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। वहीं पुराने जिला परिषद सदस्य से ग्रामीणों का आक्रोश नजर आया। ग्रामीणों का कहना था कि पिछले 5 वर्षों में क्षेत्र का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ, आज भी जनता मूलभूत समस्याओं जैसे पानी बिजली के लिए परेशान है, इसलिए इस बार सभी ने बदलाव का मन बना लिया है। वहीं प्रत्याशी रामनाथ सोरेन ने कहा कि जनता अगर आशीर्वाद देकर जिताने का काम करती है तो वो मुख्य रूप से क्षेत्र में अवस्थित इकाई के CSR फंड के तहत पंचायतों का विकास करेंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं इस बार? क्या चाहते हैं कि रामनाथ सोरेन गांव का लड़का है, इनको वोट देकर विजयी बनाए और विकास का काम करवाए। क्या अपेक्षा है अपने प्रत्याशी से, क्या अपेक्षा करते हैं? उम्मीद है कि काम करेगा, विकास कुछ नहीं हुआ। किस तरह का विकास आखिर चाहते हैं आप लोग? जैसे गांव में थोड़ा सा विकास हो, डेवलप हो और कुछ मदद हो, ये सब। तो आप लोग इस बार क्या मन बनाए हैं? मन बनाए हैं कि हम लोग लोकल कैंडिडेट जो हैं रामनाथ सोरेन, उसको थोड़ा सा करके जीतने की कोशिश करेंगे। कहते आ रहे हैं हमारा जो जिला परिषद जो निर्वाचन क्षेत्र संख्या 29 है, एक ऐसे जगह पर मतलब स्थित है धनबाद जिले के, ये एक औद्योगिक क्षेत्र में आता है और हमारे यहाँ पे जितने भी गांव है या जितने भी पंचायत है एकदम ग्रामीण क्षेत्र में आता है और ये आपके धनबाद जिले के एक ऐसा जगह स्थित है जहाँ पे उद्योग का कमी नहीं है। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार का भी उद्योग यहाँ पे स्थापित है। जैसे आप मान लीजिए हमारे बगल में ही एक DVC है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, और एक है हमारा यहाँ पर ईस्टर्न इंडिया कोलफील्ड लिमिटेड। इसके तहत जो CSR के तहत जो यहाँ पर काम होना चाहिए, यहाँ के लोगों को जो उसका जो मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिल पाया है। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, ये एक ऐसा गाँव है जिस जगह पर अभी खड़े हैं, ये NH से बिल्कुल सटा हुआ है और ठीक इसके बगल से हमारा मैथन डैम का जो पानी बाहर गया हुआ है, लेकिन इस गांव को अभी तक पीने के पानी नहीं आ पाया है। तो आप जीत कर आते हैं, अगर जनता आशीर्वाद बनाती है तो कितना काम कारगर साबित होगा? देखिए मैं अगर आपको बता दे रहा हूं, अगर जनता हमको चुनती है तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन के तहत जो भी लाभ मिलेगा, जो भी फंड मिलेगा, उसको छोड़ करके मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि इस क्षेत्र का विकास यहाँ के जो कंपनियां के तरफ से जो CSR का जो इनका फंड होता है उनके तरफ से इनका काम करवाने का भरपूर प्रयास करूंगा।